कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस नेताओं का बजरंग दल को लेकर बयान आया, इसे बैन करने तक की बात सामने आई, उसके बाद देश भर में बजरंग दल प्रदर्शन कर रहा है। ये तस्वीरें आप भोपाल के न्यू मार्केट की देख रहे हैं, जहां पर बजरंग दल के द्वारा 11,000 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। बजरंग दल के नेताओं का कहना है कि ये पूरी तरह से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का अपमान है, क्योंकि 30 वर्षों से बजरंग दल देश की सेवा कर रहा है। एक खास नारा भी ये लोग लगाते हैं, देश का बल बजरंग दल, इससे बातचीत भी करते हैं। क्या नाम है आपका? जी रुद्र गोयल मेरा नाम है। आज हनुमान चालीसा का पाठ क्यों कर रहे हैं आप लोग? जी हनुमान चालीसा का पाठ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा बजरंग दल है, बजरंग दल के खिलाफ बहुत से लोग अपना जो गलत फैला रहे, मतलब बजरंग दल को गलत बताना चाह रहे हैं, तो उन्हें बताना है कि बजरंग दल गलत नहीं है। बजरंग दल जो भी करता है देश के लिए करता है, क्योंकि देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल। आप बताइए, इतना विरोध हो रहा है बजरंग दल का, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भी कहा गया, दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि इसे बैन कर देना चाहिए, क्या प्रतिक्रिया? दिग्विजय सिंह जैसे नेता कह रहे हैं कि इसे बैन कर देना चाहिए बजरंग दल। दिग्विजय सिंह की मानसिक शक्तिता जो है बहुत खराब है, वो हिंदू विरोधी है, हमेशा हिंदुओं का विरोधी कर रहा है उनने, ये भाई से तुलना कर रहे हैं। बजरंग दल जैसे संगठन जो राष्ट्रीय शक्ति है, जो देश की भक्ति है, जो हमने बजरंग दल के कार्यकर्ता है जी अपना कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर पे ले रहते हैं, इसे संगठन को उनकी मन बुद्धि खराब है जिनने बैन करने का बोला कांग्रेस पार्टी ने, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये जो हनुमान चालीसा का पाठ आप लोग कर रहे हैं, ये सद्बुद्धि के लिए कर रहे हैं कांग्रेस जी? कांग्रेस में सद्बुद्धि आए, हम लोग की ये मनोकामना है, और ऐसे संगठन को जो देश के प्रति हमेशा मर मिटने को तैयार है, ऐसे संगठन को बैन करने वाले हैं अगर कांग्रेस ही, उनकी सद्बुद्धि को थोड़ा सा भगवान बुद्धि दे, यही हमारी मनोकामना है। हम लोग इसीलिए जो है ना हनुमान चालीसा कर रहे हैं। तो कांग्रेस नेताओं की सद्बुद्धि के लिए फिलहाल यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, और सिर्फ भोपाल में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के तकरीबन हर जिले में कांग्रेस की सद्बुद्धि के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, टीवी 9।